है फैमिली, कैसे हो आप सब, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो फिलहाल में हम लोग हैं श्री राम जन्मभूमि के अंदर जो नया वाला गेट बन रहा है उसके अंदर। और अभी तो भाई थोड़ा सा काम बाकी है, जब आप आइएगा तो पूरा ये चकाचक हो जाएगा। और भाई सामने देखो अभी नाइट का व्यू हो रखा है, और क्या सुपर सा व्यू आ रखा है भाई। ये देखो कितना सुपर सा लाइटिंग है, और इसका जो डेकोरेटिंग किया गया है बेहद ही खूबसूरत है। और अभी नाइट में भी देख सकते हो कि कितना लोग विजिट करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कि भाई इतना सुंदर बनाया जा रहा है। और अभी फिलहाल में और थोड़ा सा अंदर चलते हैं और क्या क्या काम हो रखा है जो देखते हैं, कि अगर पता लगता है वो भी दिखाते हैं। फिलहाल में अब चेक करो गाइज कितना खूबसूरत हो रखा है, जो चेक करो। इधर सब हमारे साथ जो आए थे सब तो भाई देख के तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, इतना ज़्यादा सुपर सा काम हो रखा है जो। और भाई काम अभी है जो रुका नहीं है, डे नाइट भाई एकदम चल रही है काम, मतलब काम अपने रफ्तार में। अब देख सकते हैं कि सारा लोग अभी काम बेसिस पर लगे हुए हैं, क्योंकि भाई भीड़ हो जाएगा तो वो बर्केटिंग बना रहे हैं कि जिससे लोग अच्छा से जा सकें, अच्छा से आ सकें। और ऊपर लाइटिंग का माहौल देखो यार, लाइटिंग का पूरा माहौल चेक करो, कितना खूबसूरत लाइट लगा हुआ है जो। फिलहाल में अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। और इधर जहाँ तक देखिए, जहाँ तक सारा लोग अपना वर्कर लोग लगे हुए हैं काम में, कि जितना जल्दी जल्दी हो सके हम लोग को ये बना के परोस दें दिखाने के लिए। और भाई क्या सुपर सा बन रखा है, ये सुपर सा स्ट्रक्चर है श्री राम मंदिर का। और भाई चेक करो यार, तो फाइनली गाइस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क लॉकर सेवा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क लॉकर सेवा मिल जाएगा। और यहाँ पर आरती का समय टाइमिंग दिया गया है। और भाई जैसा कि वो लोग पता है कि 12 से 2 पूरा ये मंदिर है जो बंद रहता है। और आप चेक करो भाई, व्हील चेयर का भी यहाँ पर सुविधा है, कि जो लोग आते हैं, जो मतलब अवसर लोग आते हैं जो कुछ प्रॉब्लम है उनको भी कोई क्रश नहीं हो। और भाई आगे तो चेक करो यार, क्या खूबसूरत सा अल्टीमेट सा ये व्यू है। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो पूरा लॉकर में सामान रख के यहाँ से आप लोग को एंट्री लेना है, क्योंकि जो रामलला के मंदिर में दर्शन करना है कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ डर के दर्शन करना है और आके आप लोग को सुकून पाना है। सामने चेक की जगह जी ये है माया का मंदिर। तो फिलहाल में गाइस चेक करो, जैसा मैंने अभी पूरा कॉरिडोर का दिखाया, जो कॉरिडोर बन रहा है, जो पूरा लाइटिंग देखा अपने, और जो भी वर्कर लोग हैं वो काम कर रहे हैं जो देखा। पीछे देख सकते हैं हमारे जो राम मंदिर का जो भव है वो ये गेट होगा। अभी गेट पर सारा है जो काम चल रहा है अंदर, तो मोबाइल लेके जाने का अलाउड पहले से नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तक आके जितना भी दर्शक दिव्या लोग हैं आके विजिट कर रहे हैं, जितना भी तीर्थकारी लोग आए हैं घूमने के लिए वो देख रहे हैं। और भाई कल का प्लान यही होगा कि सबसे पहले तो हम लोग जाके सरयू में स्नान करें, उसके बाद ही साथ में ही हनुमानगढ़ी में पूजा करके भगवान का दर्शन करेंगे भाई, क्योंकि ये हम लोग का ऐसा पीढ़ी है जो भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देखेंगे, क्योंकि वह 500 साल का तपस्या था वो, ऐसा हुआ था। आप लोगों को तो पूरा कहानी पता है कि बाबर थे वो, पूरा इसका बाबर का सेनापति मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया था, लेकिन बहुत सारा कार्ड सेवकों ने जान दिया, और ये फिर से हमारे के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग मंदिर बनते हुए देखेंगे और आप लोग दिखाएंगे। और आप भी एक बार जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो आप लोग भी यहाँ पर के विजिट कीजिए। और यहाँ का जो वातावरण है भाई बेहद ही खूबसूरत है, यहाँ पर आप लोग आते हैं तो भाई वाइब जो मिलेगा एकदम डिवाइन वाइब मिलेगा, पूरा पॉजिटिव वाइब है। और देख सकते हैं कि जितना भी हमारा टीम आया था सारा लोग मोबाइल लेके शूट करने में है, क्योंकि ये चीज़ है जो कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो अपना कैमरों में कोई कैद करना चाहते हैं, कोई अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कि जो लोग आने में असमर्थ हैं वो वीडियो को देखें और कहाँ तक काम हुआ है उसको जायजा ले सकें। Okay.
फाइनली गाइस पीछे चेक करो, ये पूरा पीछे रहा हमारा एंट्री गेट। यहाँ पर कॉरिडोर भी देख रहे हैं, ये रहेगा हमारा चेकिंग पॉइंट, क्योंकि भाई अंदर जब जाना है तो चेकिंग तो सारा चेक करा के जाना पड़ेगा। और इधर आओ थोड़ा सा, आप चेक करो, ये यहाँ पर चेक करो, ये है अमावा मंदिर। अमावा मंदिर के जस्ट अपोजिट इसका जो है वो गेट होने वाला है, जो भव्य गेट होने वाला है। 22 तारीख का इंतजार है भाई, 22 तारीख आएगा जब हमारे रामलला विराजमान होंगे, तो वो कितना बड़ा पल रहेगा हमारे पूरे भारत के लिए, पूरे वो विश्व के लिए कितना शानदार पल होने वाला है। तो उस टाइम तो हम लोग आ नहीं सकेंगे, लेकिन आप लोग ये सारा वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा, और साथ में जब 23 तारीख को जब आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा तो आप लोग भी आके जरूर से ज़रूर दर्शन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का अभी तो प्लान वही है ना भाई। आइए, और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।